हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रू इंजीनियर्स, जहां पर आपको इंजीनियरिंग और डिप्लोमा के विभिन्न कोर्सेज की वीडियोस मिलेंगी आसान लैंग्वेज में, जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं और अपने एग्जाम में यूज कर सकते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं नई वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे विभिन्न वेरियस टाइप ऑफ वॉल्व्स एंड देयर यूजेस, कि कौन कौन सी वॉल्व्स होती हैं इंडस्ट्री में और उनके यूजेस क्या क्या होते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। वीडियोस पे कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, कोई आप चीज़ मुझसे दोबारा पूछना चाहते हैं, या किसी कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, तो उसको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कि कुछ कमेंट्स आए भी हैं कि कुछ बच्चे मुझसे डिज़ाइन के ऊपर वीडियो चाहते हैं, तो कोशिश कर रहा हूँ कि क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल नहीं हो पा रहे, कोशिश कर रहा हूँ कि डिज़ाइन के उनको वीडियोस दे पाऊँ। लेकिन आज फिलहाल मैं बात करूँगा वॉल्व्स की और उनके टाइप्स की। तो चलिए शुरू करते हैं, वॉल्व्स क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, उनके यूजेस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वॉल्व्स क्या होती हैं। वॉल्व्स वो डिवाइसेस होते हैं जो किसी पाइपलाइन में या पाइपिंग सिस्टम में फ्लो को कंट्रोल करने के काम आते हैं, रेगुलेट करने के काम आते हैं, या ओपन या क्लोज या ऑन ऑफ करने के काम आते हैं। ये फ्लो पे भी एप्लीकेबल होता है और प्रेशर्स पे भी एप्लीकेबल होता है। वॉल्व्स हाईली क्रिटिकल और एक्सपेंसिव कंपोनेंट्स होते हैं और पाइपलाइन की रिलायबिलिटी, सेफ्टी और परफॉर्मेंस बहुत हद तक वॉल्व्स के ऊपर डिपेंड करती है। बहुत सारे वॉल्व्स, डिफरेंट टाइप की वॉल्व्स यूज होती है पाइपिंग सिस्टम में। बहुत सारी जगह सिंगल वॉल्व यूज होती है, बहुत सारी जगह पे वॉल्व्स का कॉम्बिनेशन भी यूज होता है। आज हम उन सभी वॉल्व्स के बारे में जानेंगे। तो पहले जानते हैं मेन टाइप ऑफ वॉल्व्स कौन कौन सी हैं। तो मेन टाइप्स ऑफ वॉल्व इंडस्ट्री में जो यूज होती है वो होती है गेट वॉल्व, ग्लोब वॉल्व, चेक वॉल्व, बॉल वॉल्व, बटरफ्लाई वॉल्व, प्लग वॉल्व, पिंच वॉल्व, प्रेशर रिलीफ वॉल्व, डायफ्राम वॉल्व और कंट्रोल वॉल्व्स। इनमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वॉल्व्स हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पहले जानते हैं वॉल्व के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो जो सबसे कॉमन फंक्शंस हैं वो है, सबसे पहला फ्लो, किसी फ्लूड के फ्लो को स्टार्ट करना या स्टॉप करना। किसी भी पाइपलाइन में अगर फ्लूड फ्लो कर रहा है तो हम वॉल्व के माध्यम से उस फ्लो को स्टार्ट कर सकते हैं या बहते हुए फ्लूड को रोक सकते हैं। सेकेंड फंक्शन है मॉड्यूलेट द फ्लो ऑफ फ्लूड थ्रू द पाइपलाइन। अगर पाइपलाइन में फ्लो हो रहा है तो उसको हम मॉड्यूलेट कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। थर्ड है उसका कंट्रोल द फ्लो, हम फ्लो का कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कम ज्यादा कर सकते हैं, प्रेशर रेगुलेट कर सकते हैं प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व के माध्यम से, पाइपिंग सिस्टम को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं जैसे प्रेशर रिलीफ वॉल्व के माध्यम से, कि अगर जिससे बैक प्रेशर ओवर प्रेशर हो जाए तो प्रेशर रिलीफ वॉल्व एक्स्ट्रा प्रेशर को बाहर निकाल देती है। तो स्टार्ट द फ्लो, मॉड्यूलेट द फ्लो, कंट्रोल द फ्लो, चेंज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, रेगुलेट द प्रेशर एंड प्रोटेक्ट द पाइपिंग सिस्टम, ये मेन काम होते हैं हमारे वॉल्व्स के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गेट वॉल्व की। गेट वॉल्व किसी भी पाइपलाइन में फ्लोइंग फ्लूड को स्टार्ट कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं, इसलिए ये ऑन ऑफ फैमिली की वॉल्व होती है। इनका यूज हम फ्लो को रेगुलेट करने में या मॉड्यूलेट करने में यूज नहीं कर सकते, ये या तो स्टार्ट करेंगी या स्टॉप करेंगी। ये दो तरह से ऑपरेट होती हैं, या तो फुली ओपन होंगी या फुली क्लोज्ड होंगी। हालांकि जब फुली ओपन कंडीशन में होती है तो इनमें थोड़े से माइनर प्रेशर लॉसेस होते हैं, इनका शट ऑफ अच्छा होता है। ग्लोब वॉल्व फ्लो को स्टार्ट भी कर सकती है और रेगुलेट भी कर सकती है। ग्लोब वॉल्व बहुत अलग अलग तरह के मॉडल्स में, साइजेस में और अलग अलग मटेरियल से बनी हुई मिलती है। ये डिपेंड करता है हमारी फ्लूइड क्या है, वर्किंग टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है। बहुत बार इंटरव्यूज में क्वेश्चन आता है कि गेट और ग्लोब में अंतर क्या है, गेट वॉल्व और ग्लोब वॉल्व में डिफरेंस क्या है। तो मैं आपको बता देता हूं, गेट वॉल्व जो यूज होती हैं
वो ओपन या क्लोज करने के लिए उतने फ्लो को, जबकि ग्लोब वाल्व फ्लो को मॉड्यूलेट भी कर सकती है, रेगुलेट भी कर सकती है, जो गेट वाल्व के साथ पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है चेक वाल्व। चेक वाल्व इनको हम नॉन रिटर्न वाल्व भी कहते हैं। ये वाल्व इक्विपमेंट से पंप वगैरह को डैमेज होने से बचाती हैं, क्योंकि ये इनमें बैक फ्लो नहीं होता, ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो इनमें होता है। ये टाइट सील और फास्ट क्लोजिंग देती हैं अगर कोई बैक फ्लो आता है, यानी कि अगर कोई लिक्विड पीछे की तरफ वापस फ्लो करके आ गया तो उसको वहीं ये रोक देंगी, वापस पाइपिंग सिस्टम में वो जो बैक फ्लो आया वो नहीं आएगा। तो ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो इनमें होता है। ये वॉल्व्स फॉरवर्ड फ्लो के साथ ओपन हो जाती हैं और बैक फ्लो के साथ ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा बॉल वॉल्व। बॉल वॉल्व एक 90 डिग्री रोटेशन रोटरी मोशन वॉल्व है, जो आपने बहुत जगह देखा होगा कि पाइप्स वगैरह में हैंडल पकड़ के हम वॉल्व को घुमाते हैं, तो मोस्टली वो क्या होती है, बॉल वॉल्व होती है। इसमें एक बॉल होती है जो फ्लो को स्टार्ट या स्टॉप करने के में एबल होती है, वो कर सकती है। ये जो बॉल वाल्व होती है ये क्विक एक्टिंग टाइप की होती है, ये लाइटर होती है और गेट वाल्व के मुकाबले स्मॉलर होती है। नेक्स्ट हमारा है बटरफ्लाई वाल्व। बटरफ्लाई वाल्व भी 90 डिग्री रोटरी मोशन वाल्व है। इन वाल्व का यूज फ्लो को रेगुलेट करने में, स्टॉप करने में और स्टार्ट करने में किया जाता है। ये वॉल्व जनरली दूसरी वॉल्व से प्रिफर की जाती हैं, क्योंकि ये चीप हैं, मतलब सस्ती हैं, लाइट वेट हैं और इनका मेंटेनेंस आसान है, तो मैनुअल बटरफ्लाई वॉल्व्स को जनरली प्रिफर किया जाता है दूसरी वॉल्व पे। इसके बाद आती है हमारी प्रेशर रिलीफ वॉल्व, इसको हम PRV भी कहते हैं शॉर्ट में, इसको हम सेफ्टी वॉल्व भी कहते हैं। ये जो वॉल्व होती है ये इक्विपमेंट्स और पाइपिंग सिस्टम को ओवर प्रेशर और वैक्यूम दोनों से ही बचाने के काम आती है। अगर कहीं ओवर प्रेशर हो रहा है, जैसे बॉयलर्स वगैरह में या प्रेशर वेसल्स में या पाइपलाइंस में, तो ये वॉल्व क्या करती है, जो हमारा सेट प्रेशर है उससे ज्यादा जो भी एक्सीड करेगा प्रेशर उसको ये रिलीज कर देती है, जिससे हमारी पाइपलाइन या इक्विपमेंट है वो बर्स्ट नहीं होता, वो अपने नॉर्मल फंक्शनिंग में रहती है। और यही इसका मुख्य मेन काम होता है कि जो हमारे सेट प्रेशर से अगर प्रेशर एक्सीड कर रहा है तो उस प्रेशर को ये रिलीज कर दें। इसके बाद आता है हमारा कंट्रोल वॉल्व। ये जो कंट्रोल वॉल्व होती है वो जो हमारे प्रोसेस पैरामीटर्स हैं, जैसे प्रेशर हुआ, टेम्परेचर हुआ, फ्लो हुआ, लेवल हुआ, इन चीज को कंट्रोल करने के काम आता है। ये वॉल्व्स या तो ओपन करेंगी फ्लो को या टोटली क्लोज करेंगी, और ये काम करती हैं जो इनको सिग्नल्स मिलते हैं सेंसर से उसके आधार पर। ये जो कंट्रोल करती है वॉल्व्स, ये ग्लोब वॉल्व, बटरफ्लाई वॉल्व, बॉल वॉल्व, इनके माध्यम से ये वॉल्व्स कंट्रोल करती हैं। दोस्तों, तो आज हमने विभिन्न वॉल्व्स के बारे में जाना। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है या आप किसी और टॉपिक पर मुझसे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।